आपल्या सगळ्यांकरता ही आनंदाची गोष्ट आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे ताकदीचे लोक आहेत अशी सगळी मंडळी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करते. तीन पक्षाचं सरकार ज्यावेळी तयार झालं त्यावेळेस अनेक लोक प्रश्न विचारायचे की आता भारतीय जनता पक्षाची लढाई कशी होणार. आणि त्यावेळेसच मी सांगितलं होतं की तीन पक्षाचं सरकार म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला विस्ताराची संधी आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक नवीन अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे. पण देशाचा राजकीय इतिहास ज्यांनी बघितला त्या सगळ्यांना हे माहिती आहे की ज्या ज्या वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध इतर सगळे पक्ष एक झाले त्या त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा विस्तार झाला आहे. आणि भारतीय जनता पक्ष क्रमांक एकचा पक्ष असाच राजस्थानमध्ये झाला, असाच गुजरातमध्ये झाला, असाच मध्य प्रदेशात झाला, असाच उत्तर प्रदेशात झाला. ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारची परिस्थिती तयार होते त्या त्या ठिकाणची राजकीय स्पेस ही भारतीय जनता पक्ष व्यापून टाकतो आणि त्याचं भारतीय जनता पक्ष पुन्हा नव्याने उभारतो. आणि म्हणून एखाद दोन वर्ष तीन वर्ष इकडे तिकडे एखादा टर्म सत्तेवर आहे नाही आहे याची भारतीय जनता पक्षाला चिंता नाही आहे. कारण आमच्याकरता राजकारण जे आहे हे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं केंद्र आहे, स्रोत आहे, हे उपकरण आहे. आणि म्हणून सत्ता आली तर त्यातनं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करायचा, सत्ता नसेल तर जनतेकरता भांडायचं. आणि आज उद्या महाराष्ट्राने बघितलं ओबीसीच्या प्रश्नावर आमच्या 12 आमदारांचा बळी हा त्या ठिकाणी त्यांनी दिला तरी देखील भारतीय जनता पक्ष मागे हटला नाही. आणि आज ओबीसीचा प्रश्न इतक्या ताकदीनं भारतीय जनता पक्षाने लावून धरला. वेगवेगळे जे समाजाचे प्रश्न आहेत ते आम्ही सातत्याने लावून धरतो. आणि अशातच ही सगळी ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीनं वेगवेगळी मंडळी ही भाजपमध्ये प्रवेश करतायत. सन्माननीय कृपाशंकर सिंग साहेबांचा प्रवेश या ठिकाणी असाच महत्वाचा आहे. कारण कृपाशंकर सिंग यांनी घेतलेला प्रवेश हा एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश नाहीये, एक विचारधारा सोडून दुसऱ्या विचारधारेत केलेला प्रवेश. कारण कृपाशंकर सिंग यांनी वर्षानुवर्ष काँग्रेसची विचारधारा त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे होती आणि त्या विचारधारेने त्यांनी प्रामाणिकपणे काँग्रेसमध्ये काम केलं. परंतु ज्यावेळी हा 370 मुद्दा आला त्यावेळी त्यांची राष्ट्रीयता जागृत झाली आणि माझा देश एक संघ होत असताना माझ्या देशामध्ये काश्मीरचं संपूर्ण अनकंडिशनल म्हणजे काश्मीर तर भारताचंच आहे पण अनकंडिशनल विलीनीकरण मोदीजी करतायत आणि कुठल्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन राहणार नाही अशा प्रकारे जो काश्मीरचा मुद्दा आहे त्याचं परमनंट सोल्युशन हे मोदीजी काढतायत आणि त्याला काँग्रेस विरोध करते आहे हे त्यांना सहन झालं नाही. आणि जेव्हा त्यांनी पत्र पाठवलं आम्हाला माहिती नव्हतं, आमच्या कुठल्या संपर्कातही ते आले नव्हते. ज्यावेळी अशा प्रकारचं पत्र त्यांनी पाठवलं त्यानंतर मला ज्यावेळेस ते पत्र पाहायला मिळालं मग मी त्यांना संपर्क केला. मी म्हटलं कृपाजी क्या आपके मन में, म्हटलं नाही मैं तो काँग्रेस में हूं लेकिन अगर काँग्रेस 370 का समर्थन नहीं करती है तो मैं यहां नहीं रह सकता, ये मैंने तय कर लिया. आणि त्यानंतर त्यांनी दुसरं पत्र पाठवलं आणि काँग्रेसचा त्याग केला. त्याग केल्यानंतर ते भारतीय जनता पक्षात आले नाही, ते 370 वर जनजागृती करत 6 महिने फिरले. आणि त्यानंतर आज जवळजवळ मला असं वाटतं काँग्रेसचा राजीनामा देऊन कृपाजी आपण किती महिने होते 21 महिने म्हणजे जवळजवळ 2 वर्ष झाले आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून मी सांगितलं काँग्रेस पक्षातनं भाजप पक्षाचा प्रवेश नाही आहे, एक विचार त्यागून हा जो राष्ट्रीयतेचा विचार आहे राष्ट्रवादाचा विचार आहे या विचारामध्ये हा प्रवेश त्यांनी घेतलेला आहे. म्हणून मी त्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. यतीन कदम यांच्यासारखा एक अतिशय तरुण तडफदार अशा प्रकारचा नेता की ज्याने ओझरमध्ये प्रचंड मोठं काम त्या ठिकाणी उभं केलं आणि
खरतर एक मोठा वारसा समाज सेवेचा त्यांच्या घरी आहे. वडील असतील, मातोश्री असतील, यांनी समाज सेवेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमदार म्हणून काम केलं आणि आमदार म्हणून काम करत असताना त्यांनी देखील एक आपला वेगळा ठसा त्या ठिकाणी उमटवला आणि अतिशय तरुण वयात ग्रामपंचायत पासून तर जिल्हा परिषदेपर्यंत आणि खरतर त्यांना जर आम्ही तिकीट दिलं असतं तर कदाचित ते या विधानसभेत देखील दिसू शकले असते. इतकं चांगलं काम हे त्यांनी त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं उभं केलं आणि अशा प्रकारचा एक तरुण जो जमिनीशी जुडलेला आहे, शेतकरी शेतमजूर यांच्या समस्या जाणतो, त्याच्याकरता भांडतो आणि अशा प्रकारचा हा एक तरुण आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतोय म्हणून त्यांचं देखील भारतीय जनता पक्षामध्ये मी मनापासून स्वागत करतो आणि आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा माननीय आपले अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रातली भारतीय जनता पार्टी रोज मजबूत होती आहे, नवीन नवीन शिखर कार्यक्रम करते आहे आणि मला विश्वास आहे की त्यांच्या नेतृत्वामध्ये नंबर एकचा पक्ष भारतीय जनता पक्षच असेल हा विश्वास मी यांना व्यक्त करतो आणि माझं म्हणणं सांगतो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. सभा शास्त्राप्रमाणे एखादं समारोपी मार्गदर्शन झालं की नंतर बोलायचं नसतं, पण कृपाजीनी पण इच्छा व्यक्त केली आणि ऋताजीनी पण इच्छा व्यक्त केली. शुरू में मैं आपको विनती करता हूँ कि आप कृपा जी का जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश पाए उस पर शुभेच्छा दीजिए. कृपा जी में बात करना चाहते आदरणीय पाटिल जी, फडणवीस जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी केवल महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष का चेहरा है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी देशवासी इनकी ओर बहुत ही उत्सुकता से देखते हैं. हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेश के. मैं पूनम जी का जो मेरे साथ पार्लियामेंट में है विद्या जी मैं बहुत दिनों से जानती हूँ. आप सब मंचस्थ लोगों का खासतौर से कृपा शंकर सिंह जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. मुझे इतनी प्रसन्नता है क्योंकि जौनपुर वासी हैं और मैं प्रयागराज वासी हूँ. 80 किलोमीटर का अंतर है लेकिन 20 साल का इनसे हमारा पारिवारिक संबंध ही है. एक ही पार्टी में थे, मैं तो बहुत पहले छोड़ के आ गई, पर कृपा शंकर जी भी आए हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों की और उनकी जो उनका जो चलन है उसके ओर आकर्षित होकर केवल कांग्रेस से हम दो नहीं सभी दलों से सैकड़ों हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, इतनी आपदाओं के इतनी परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने विकास के कार्य को थमने नहीं दिया. हजारों किलोमीटर शहर, पानी, बिजली, हर तरह से जिस तरह से आगे बढ़ना, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है, मैं मानती हूँ कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो पूरा हमारे लिए नासूर बना हुआ था. कृपा जी मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने उस एक मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाकर अन्य मुद्दे भी सब उतने ही उपयुक्त है आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं. यहाँ जो उत्तर भारतीय है उनके तो आप प्रेरणा है ही है क्योंकि जमीन से उठकर आप इस स्थान तक आए, बहुत आपने जिंदगी में संघर्ष किया है. लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप लोकप्रिय हैं और सबसे पहले तो चुनाव हमारा उत्तर प्रदेश का आ रहा है. मैं आपसे निवेदन करूंगी प्रदेश अध्यक्ष जी को थोड़ी मोहलत दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों के साथ जुटकर और सारी दलों का सारी पार्टियों का ध्यान सब करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हम पुनः सरकार बनाए. इन शब्दों के साथ मैं आप सभी यहाँ पर निमंत्रित लोगों का, इनके शुभ चिंतकों का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सहयोगियों कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ और कृपा शंकर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ. उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद. जय हिंद.
कृपा जी तो अभी हमारे सिर्फ मुंबई के नहीं राज्य के नेता बनेंगे, तो राज्य के नेता के भूमिका में वहां आएंगे प्रचार के लिए। मैं कृपा जी को कहता हूँ कि वो अपना मन बदल। परम श्रद्धे प्रदेश अध्यक्ष सामान्य शंकर दादा पाटिल जी, इस महाराष्ट्र के ही नहीं देश के तमाम युवकों के और विकासकों की धड़कन परम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष मेरे मित्र सामान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मेरे इलाके से हमारी जो सांसद है कुंतलाई महाजन जी, हमारे कई सालों से मित्र पूर्व मंत्री विधायक सम्मानी आशीष तेलार जी, दूसरी हमारी छोटी बहन विधायिका और पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या ठाकुर जी, विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता सम्मानी प्रवीण दरेगर जी, हमारी बड़ी बहन जो मुझे आशीर्वाद देने आए, रोज अखबार में आ रहा था कि ये मंत्री बनेगी वो अगर सब छोड़ के आई, डॉक्टर गीता रोहन जोशी जी, यहाँ हमारे सम्मानी विधायकगण हैं कालिदास कोलंबकर जी, हम साथ साथ होते थे तो रोज गिनती गिनते कब आएंगे, पता गलोनी जी और गिरीश महाजन जी, हम लोग साथ साथ रहते थे, लेकिन इंतजार हो रहा था हमारी दूसरी छोटी बहन दीवानी रामलाल फरांदे जी उपस्थित, सभी मान योगेश सागर जी यहाँ बैठे मुंबई के महान सारे पदाधिकारी चाहे माधव भंडारी जी हों, एक दूसरा हमारा जो मित्र है छोटा भाई है प्रसाद लाल जी, कई लोग नाम ले, समय बड़ा कम है, सामने बैठे जो उत्तर भारतीय मोर्चा संभाले हुए हैं संजय पांडे जी उपस्थित मेरे पत्रकार मित्र, थोड़ा अजीब सा जरूर लगता होगा कि जो सालों साल तक एक कांग्रेस पार्टी विचारधारा के साथ मेरी राजनीतिक कैरियर शुरू करी, लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है और आज मैं भाग्यशाली हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस का जो सप्ताह चल रहा है, आज एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और मेरा जो इशू था जिस विषय को लेकर मैंने अपनी इस्तीफा दिया था उनकी पुस्तक का प्रकाशन आज हो रहा है, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं जाऊंगा क्योंकि पत्रकार मित्र कल से पूछ रहे हैं हमसे, कई लोगों ने पूछा कि आपका ज्वाइनिंग, हम कहा भारतीय जनता पार्टी बताए तो कहते आप क्यों नहीं बताते, हम कहा कि कांग्रेस पार्टी होता तो बहुत कुछ बोल जाता लेकिन भाजपा पार्टी में जाने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे हर एक कदम जरा सोच सोच चलना पड़ेगा, मैंने किसी अपने पत्रकार मित्र को बताया नहीं, बोले ऐसा लिख दूं कि हो जाएगा, हमका इतना मान लो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी मुझे कब जाना है। मैं ज्यादा दीदी आपको पता है सबको पता है मैं गृह राज्य मंत्री हुआ करता था और देवेंद्र फडणवीस साहब सामने से जब प्रश्न पूछे तो ऐसी बौछार होती थी, मुझे मालूम था कि मैं इनका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मैं धीरे से कहता था देवेंद्र फडणवीस साहब आप बहुत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं चैम्बर मीटिंग लगाऊंगा आपसे बात करूंगा, मेरी बात मान जाते थे, मेरी अड़चन कभी आने नहीं देते थे। इस बार जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी ये सोच के नहीं छोड़ा था मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक आदमी हूं और जब मैं कुछ समय बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, कुछ बातें हुई, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर मुझे राजनीति करनी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा। दूसरे जिस दिन टेलीविजन पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बहादुरी के साथ 370 हटाने का वो पढ़ रहे थे, किसी ने सामने से टोका 370 हटाने के बाद वहां जाना मुश्किल होगा, और उनका एक शब्द मुझे प्रेरित करता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगा लेकिन कंप्लीट 370। ऐसे गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और उन सभी लोगों में प्रणाम करता हूं और मैं आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपके विचार मेरी विचारधारा को समझ करके मेरी राष्ट्रीयता को समझ करके आपने मुझे स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठी में नहीं बोलता नहीं दादा मी पूर्वी इतने मतलब भैया नहीं सगड़े बोलत होते, मी एकदा बोललो की हिंदी माझी आई मराठी माझी मावशी, आई ने मला जन्म दिला ने मावशीकडे सगळे मिळत असताना
मराठी मध्ये म्हणायची आई मरू मौशी जगपण कोणी मरू नये आई जगली पाहिजे आणि मौशी जगलीच पाहिजे जसा कृपा शंकरला ह्या महाराष्ट्राने नोकरीमध्ये काम करत असताना किंवा आज एवढे मला वाटतं जगामध्ये सर्व पक्षांचे मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी करतात असा पक्षामध्ये कृपा शंकर प्रवेश करतात मी एवढंच सांगेन दादा एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रहूंगा और मुझे जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं पार्टी का आदेश के हिसाब से काम करता रहूंगा मैं इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलना है क्योंकि कई कार्यक्रम है मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और हमारे पत्रकार मित्रों को कि समय समय पर सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में और कल से बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने लिखा भी है बहुत सारे उत्सुक थे कि बताओ क्या कारण था कारण स्पष्ट था कि मैं 20 महीने 21 महीने जो भी साल गुजर थे मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मेरा कब होगा मैं कब ज्वाइन करूंगा मुझे मालूम था कि तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने सब कुछ लिख डाला है एक लाइन उसमें है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए जारी तो धीरज जो धैर्य था मैंने कभी खोया नहीं और इमरजेंसी में उसकी पहचान होती थी फिर से आज के दिन एक चीज मैं और कहूं कि यहाँ उत्तर भारत के कई लोगों सवेरे पता चला जगह कम है कोरोना काल है उसके नियमों का पालन करना है आप लोग मेहरबानी करके मत आइए बोले आप कहीं बुला रहे हो हम जाएंगे वहां जगह नहीं होगी हम रहेंगे बहुत सारे लोग सवेरे से फोन जब रात को पता चला उन सब का बड़ा आभारी हूं अभी तो ये शुरुआत है दादा ये तो अभी झांकी है अभी बहुत कुछ बाकी है आपके विचारधारा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा मैं इतना ही कर सकता हूं कि आने वाले समय चाहे मुंबई महानगर पालिका हो चाहे जो भी हो ये उत्तर भारतीय समाज अगर पूरी तरह से आपके साथ समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मेरा आज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो दिवस मना रहा है उसका स्मरण करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं उन सारे लोगों को पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या होगा इसका परिणाम आने बाद पता चलेगा धन्यवाद जय हिंद जय महाराज जय भाजपा मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय मंगल जी को ये कहूंगा कि वो कृपा जी का मुंबई में इस प्रवेश के निमित्त स्वागत भी करें और उनको शुभेच्छा दें मंगल जी को विनती करता हूँ कि वो कृपा जी यतीन दोनों को शुभेच्छा दे और सबका भला करें हमारे सबके नेता महाराष्ट्र की नब्ज समझने वाले माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील जी आज इनके प्रवेश का आनंद मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं ऐसे कृपा शंकर सिंह जी यतीन धर्मजी और बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं पदाधिकारी और पत्रकार बंधुओं मैं ज्यादा समय नहीं लेकर जो आनंद आज यहाँ पर इकट्ठे होने का आया है वो आनंद आज शुरुआत कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब इसी आनंद के साथ में देवेंद्र जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देवेंद्र जी आप आइए और मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का झंडा फहराने के लिए कृपा शंकर सिंह जी भी रहेंगे आशीष सलाह जी भी रहेंगे और हम सब मिलकर मुंबई के लोगों को नई जिंदगी दे सके मुंबई की सत्ता काबिज करना हमारा मकसद नहीं है पर 25 साल से मुंबई के अंदर जो कचरा जमा हो गया है वो हटाकर मुंबई के लोगों को उनका सपने का शहर देना इस प्रयास में हम सब मिलकर काम करें कृपा शंकर जी का इसमें बहुत सहयोग रहेगा नासिक पहले से हमारे पास में है नासिक भी आगे और मजबूत होगा पुनः एक बार इस सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आप सब बड़ी संख्या में आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं उस विचार में हर व्यक्ति का स्वागत हर व्यक्ति का सम्मान यह हमारे विचार में है हम यह कृपा जी को यतीन को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सम्मान उनको मिलेगा अब कार्यक्रम समाप्त हुआ है बाहर से जो आए नासिक बोल रहे उनको भोजन की व्यवस्था की है बाकी भी भोजन कर सकते हैं लेकिन तुरंत हम बाहर निकलेंगे यही जो 12 विधायक निलंबित हुए थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है
हम जल्दी से बात करें। पूरा परिवार की तरह चाहिए।